अस्सलाम वालेकुम जी आई होप आप लोग सब ठीक ठाक होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे सो आई एम रियली एक्साइटेड फॉर टुडेज़ वीडियो क्योंकि आज की वीडियो काफ़ी डिफरेंट है ये एक व्लॉग होने वाला है और आज का ना कंप्लीट व्लॉग मेकअप प्रोडक्ट्स पे होने वाला है क्योंकि मुझे काफ़ी क्यूरीज आती हैं ये कि आप बता दें कोई अच्छा पेज जहाँ से ओरिजिनल मेकअप मिलता हो तो मुझे काफ़ी टाइम से चेस वैल्यू जाना था बट मुझे मौका नहीं मिला था बट अब फाइनली मैं जा रही हूँ और मैं आपके साथ व्लॉग इसीलिए शेयर कर रही हूँ ताकि आपको भी आइडिया हो जाए कि वहाँ पर प्राइजेस क्या है क्वालिटी क्या है चीज़ें ओरिजिनल हैं या नहीं है और इसके अलावा पाकिस्तानी ब्रांड्स हैं या नहीं है इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं या नहीं है सारे डिटेल आपको मिलेगी डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड आई एम नॉट अ प्रो व्लॉगर पहली बार व्लॉग बनाया है तो अपने रिव्यूज़ ज़रूर शेयर किएगा कि आपको व्लॉग कैसा लगा और वीडियो देखनी है स्किप की है। okay, so video, अच्छा, देख लो और आज मैं गुलशन वाली ब्रांच में जो की बड़ी ब्रांच है चेस वैल्यू की हाँ जी तो जल्दी से हम चलते हैं चेस वैल्यू ये बाहर के लुके आप लोग देख सकते हो काफी ज्यादा बड़ी ब्रांच है ये और अब हम चलते हैं डायरेक्ट मेकअप सेक्शन पे तो एंट्री के बाद ये राइट हैंड पर टर्न लेना है आपने वहाँ मेकअप का पूरा सेक्शन दिखेगा अच्छा तो बेस्ट बात यहाँ पे ये है कि इधर आपको तमाम पाकिस्तानी ब्रांड्स भी मिल जाएंगे इंटरनेशनल ब्रांड्स भी मिल जाएंगे और उससे भी ज़्यादा शॉकिंग बात पता है क्या है यहाँ पे आपको तमाम प्रोडक्ट्स होल सेल प्राइजेस पर मिल सकते हैं मतलब आप खुद भी चाहो तो आप मार्केट प्राइसेस का कंपैरिजन भी कर सकते हो तो आपको खुद ही आइडिया हो जाएगा कि सारे यहाँ पे प्रोडक्ट्स आपको होल सेल रेट पर मिल रहे हैं और एक ही स्पॉट पे आपको सारे ब्रांड्स मिलेंगे पाकिस्तानी इंटरनेशनल और इनके प्रोडक्ट को मैंने स्कैन भी किया है और वो ओरिजिनल हैं इनका प्रोडक्ट कोड और इनकी वेबसाइट का कोड मैच करता है सो so येस yes, आपको सारे ओरिजिनल प्रोडक्ट्स मिलेंगे एक ही स्पॉट पे तमाम ब्रांड्स मिल जाएंगे और होल रेट पर और क्या चाहिए आपको ओके okay, तो मैं राइट right साइड से ना आपको सारे ब्रांड्स दिखा देती हूँ और उनके बीच बीच में से कुछ कुछ प्रोडक्ट्स भी दिखा दूँगी स्वेचेज़ भी दिखा दूँगी ताकि आपको आइडिया हो जाए तो सबसे पहले हमारे पास है ये मेकअप रेवोल्यूशन जो कि काफ़ी वेल नोन ब्रांड है और ये ग्लोबल ब्रांड है और इसके प्रोडक्ट पाकिस्तान में मिलना जो बातें थोड़ा मुश्किल होते हैं और फिर टेंशन भी होती है ओरिजिनल हो या नहीं हो लेकिन आप यहाँ से बिल्कुल टेंशन फ्री होकर ले सकते हैं मैं आपको कुछ पैलेट्स दिखा देती हूँ ऊपर से हाँ जी सो ये गोल्डन वाली पैलेट है इसका नाम ग्लो है और इसके अंदर आपको ट्वेंटी एट आई शेड्स मिलेंगे और सारे ही बहुत ही प्यारे शेड्स हैं जो कि वाकई प्रैक्टिकल यूज़ में आएंगे हमारे मतलब आपको ग्लैम लुक चाहिए हो कैजुअल लुक चाहिए हो आराम से आप इस पैलेट को यूज़ कर सकते हो प्राइस शेल्फ पर लिखे हुए आप लोग देख लो वैसे मैं स्क्रीन पर भी मैंशन कर दूँ और इसके बराबर में ये वाली आई शेडो पैलेट रखी हुई थी मुझे ये भी बहुत अच्छी लगी क्योंकि इसके सारे शेड्स बहुत ही सटल और बहुत क्लासी थे और इसके अलावा ये थर्ड आई शडो पैलेट है ये भी मुझे बहुत अच्छी लगी और इसमें से आपको मैं तीन आई शेड्स का स्वेच भी दिखा रही हूँ आप लोग देख लो पिगमेंटेशन भी काफ़ी अच्छी है इनके प्रोडक्ट्स की और मेकअप रेवोल्यूशन के आई पैलेट्स मुझे इतनी ज़्यादा अच्छी लगती है ना दैट आई कडेंट स्टॉप माई सेल्फ और मैंने एक और पैलेट निकाल के इसको स्वेच भी कर लिया ताकि आपको दिखा सकूँ कि सारी ही पैलेट्स की पिगमेंटेशन अच्छी है अच्छा जी तो अब ये है इनका ब्लश और हाइलाइटर का सेक्शन आप ख़ुद प्राइस देख सकते हैं कि वाकई में काफ़ी कम है होलसेल रेट है और ये जो पहला प्रोडक्ट देख रहे हो ये है इनका ब्लश काफ़ी क्यूट कलर लगा मुझे इसका और उसके बाद ये था हाइलाइटर आप देखो कितना क्यूट है ये भी और इसकी पिगमेंटेशन बहुत अच्छी है मैं आपको स्वेच दिखा रही हूँ आप चेक करो अच्छा इसके बराबर में ना ये क्यूट सी मिनी पैलेट रखी हुई थी मैंने कहा आपको ये भी दिखा देती हूँ और इसके शेड्स वाकई में बहुत मजे के हैं आप इजीली इसको बैग में कैरी कर सकते हो ट्रैवल फ्रेंडली भी है और इसी रेंज में बराबर में एक यहाँ शडो पैलेट रखी हुई थी ये भी मुझे बहुत अच्छी लगी प्राइस भी इसके बहुत कम है सेवन नाइन्टी फाइव की है और आप देख सकते हो इसमें आपको आई शेड कलर मिल रहे हैं मैट मिल रहे हैं ग्लिटरी मिल रहे हैं और वो सब इस क्यूट सी मिनी पैलेट में है जो कि आप इजीली बैग में कैरी कर सकते हो और उसके बाद ये एक और पैलेट है इसके अंदर ब्रॉन्जर और हाइलाइटर्स हैं और अमेजिंग बात ये कि आपको एक ही पैलेट में चार डिफरेंट शेड्स मिल रहे हैं सो ये भी आपके लिए काफ़ी अच्छी रहेगी अच्छा अभी ये काफ़ी सारी पैलेट्स हो गई हैं अब हम लिपस्टिक के सेक्शन पर जाते हैं ताकि आपको वहाँ भी स्वेचेज़ दिखा सकूँ मैं ओके okay, तो प्राइजेस सबके शेल्फ पे लिखे हुए हैं आप लोग देख लो अब यहाँ पे मैं आपको ना तीन चार लिपस्टिक के स्वेचज़ दिखा रही हूँ तो आप लोग चेक करना बहुत अच्छे कलर्स हैं मुझे इनके सारे लिपस्टिक स्वेचेस इतने पसंद आए ना स्पेशली इनकी ग्लॉस आई एम लिजेड इन लव विद विदम और दूसरे पेजेस पे और मार्केट्स पे इतनी ज़्यादा महंगी मिलती है लेकिन यहाँ पे बिल्कुल होल सेल रेट्स हैं अच्छा इसके बाद ये सेक्शन है इनके फाउंडेशन का या प्राइजेस वगैरह चेक कर लो मैं आपको इसमें से इनके फाउंडेशन निकाल के दिखा देती हूँ अच्छा ये मेकअप रेवोल्यूशन की ये वाली कंसीलेंट डिफाइंड फुल कवरेज फाउंडेशन के बारे में आपने ज़रूर सुना होगा बहुत ही ज़्यादा हाई कवरेज फाउंडेशन है ये और बाकी जगहों पर ये फोर थाउजेंड फाइव थाउजेंड की मिल रही थी बट यहाँ पे इसके प्राइस सिर्फ और सिर्फ टू थाउजेंड है बाकी ये होलसेल रेट पे ही आपको प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं अच्छा इसके बराबर में ही देखें ये कंसीलर भी था इन्हीं की कंसीलन डिफाइन वाली रेंज में से इस कंसीलर की परफॉर्मेंस काफी अच्छी है ट्वेल्व हंड्रेड रुपीज में मिल रहा है और स्वेस आप ये देख रहे हो बहुत अच्छी कवरेज है इन दोनों की अच्छा इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें जो मैं कवर नहीं कर सकती है आपको क्विकली मैं दिखा देती हूँ ये इनका कॉन्टोर और फेस सेटिंग पाउडर था और ये ब्लशेज का इनका पूरा सेट था ये हाईलाइटर है और इसके अलावा यह इनका मेरा फेवरेट है जो कि इनका क्रीम कॉन्टोर सेट है मुझे बहुत पसंद आया था यह और ये इनकी हाईलाइटर पैलेट है ये इनके क्यूट सी शेप वाले तमाम हाईलाइटर्स हैं अलग अलग शेड्स में सारी चीजें बहुत प्यारी थी बहुत क्यूट थी बट एक ही वीडियो में कवर करना मुश्किल है वरना वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी इसको फिलहाल के लिए मूव ऑन कर रही हूँ मैं सेकेंड ब्रांड पर जो कि है रिमल का और इनकी भी काफ़ी ह्यूज वराइटी है सबसे पहले ये देख सकते हो आप इनके नेल पेंट्स हैं काफ़ी वाइब्रेंट क्यूट सटल क्लासी हर तरह के कलर्स आपको मिल जाएंगे और मुझे इनमें से ये वाला कलर बहुत प्यारा लगा नेल पेंट का अच्छा इसके बाद ये है रिमल की मैच परफेक्शन लिक्विड फाउंडेशन और सबसे पहले आप इसके प्राइस देखो मतलब आप ख़ुद इस बात को मानोगे कि हाँ वाकई में ये होलसेल सेल हैं और काफ़ी अच्छी फाउंडेशन है ये मैंने इसको स्वैच करके देखा था काफ़ी देर तक कि इस्टे किया था इसने भी और टेस्टर्स इसके अवेलेबल हैं आप अपने स्किन शेड के हिसाब से आके बाय कर सकते हैं अच्छा इसके बाद ये ये के कुछ मस्कारा हैं काफ़ी ज़्यादा फेमस है इनके मस्कारा है इस्पेशली जो ये ग्रीन वाला स्कैंडलाइज मस्कारा है ना इसके बहुत ज़बरदस्त व्यूज़ देखे हैं मैंने और इसके बाद यहाँ पे हैं कंसीलर्स सारे ही अच्छे हैं तमाम शेड्स आपको मिल जाएंगे कवरेज भी अच्छी है और मैट स्किन ड्राई स्किन के लिए भी अवेलेबल है और इसके बाद ये रेमल का क्यूट सा हाइलाइटर जो कि ट्रैवल फ्रेंडली है इजीली आप बैग में कैरी कर सकते हैं और प्राइस भी काफ़ी कम है और इसके बिल्कुल बराबर में ये मैट लिपस्टिक्स का सेक्शन है और ये भी काफ़ी अच्छे लिपस्टिक्स थी मतलब काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग थी और अच्छी बात यह थी कि आपको इसमें न्यूड कलर में तमाम स्किन के हिसाब से शेड्स मिल जाएंगे और इसके बाद दिवाली लिपस्टिक मुझे ज़्यादा अच्छी लगी इसलिए क्योंकि इसमें देखें एक साइड पर ना ये मैट लिपस्टिक दी हुई है और इसके ऑपोजिट साइड पर आपको ग्लॉस मिलेगी तो आप दोनों काम चला सकते हो एक ही लिपस्टिक्स है अच्छा इसके बाद ये रिमिल की आईब्रो पेंसिल है इसके बारे में मैंने काफ़ी रिव्यूज़ देखे हैं ऑलरेडी काफ़ी अच्छी पेंसिल है और पे ये और इसके एक साइड पर ये आईब्रो ब्रश भी दिया हुआ है और इसके शेड्स काफ़ी अच्छे हैं मतलब आपके हेयर कलर के हिसाब से ऑलमोस्ट सारे शेड्स आपको मिल जाएंगे और साथ में ये रिमिल की पाउडर्ड आईब्रो किट भी मौजूद है इसमें आपको दो शेड्स मिलेंगे और साथ में इसमें आपको एक स्पूली और एक ब्रश भी मिलेगा और बाकी ये रिमिल की मुझे लिपस्टिक्स भी काफी अच्छी लगी क्योंकि इसमें शेड्स बहुत अच्छे हैं आप जैसे ये वाला शेड देखो ये काफी मजे का ब्राउनिश न्यू टाइप का कलर है और इस शेड से ना काफी मतलब ऑफिस लुक वाली वाइब आ रही थी तो उसके लिए काफी अच्छा रहेगा ये अच्छा यहाँ पर इनकी कुछ लिप पेंसिल्स भी थी जिसमें भी काफी सारे शेड्स हैं सो यू कैन चेक दिस आउट टू अच्छा इसके अलावा इनकी मैट में ग्लॉस में और भी काफी सारे लिपस्टिक्स हैं बहुत प्यारे प्यारे शेड्स हैं और नीचे लास्ट सेक्शन में इनके पास ब्लशेज हाईलाइटर और बाकी सेटिंग पाउडर्स हैं और यहाँ पर इसके बराबर में मैंने इनकी फाइव इन वन लिपस्टिक सेट भी है जो कि गिफ्ट्स वगैरह देने के लिए काफ़ी अच्छा रहता है और इसके शेड्स भी काफ़ी अच्छे था अच्छा इसके बाद हम मूव ऑन करते हैं रिमल से अब मेबली न्यूयॉर्क की तरफ विच इज़ वन ऑफ़ माई मोस्ट फेवरेट ब्रांड और इनकी मैं काफ़ी चीज़ें ऑलरेडी ख़रीद चुकी हूँ लेकिन अब मुझे अफसोस हो रहा था कि मैंने यहाँ से क्यों नहीं ली क्योंकि यहाँ पर वाकई होल सेल रेट है और मैंने काफ़ी महंगी खरीद ली है वो सारी चीज़ें लेकिन आप अपने पैसे बचा के यहाँ से औरिजिनल प्रोडक्ट खरीद सकते हैं सो ज़रूर विजिट कीजिएगा सो ये हमारे पास सबसे पहले हैं बीबी क्रीम्स इसके बाद ये इनके फेव फेमस मस्कारा है ये मेबलिन का येलो वाला कोलस्ट्रल मस्कारा बहुत ज्यादा डिमांडेड है मतलब काफी अच्छा इसकी परफॉर्मेंस है और इसके साथ में ही देखें यह ग्रेट लैश मस्कारा है ये भी काफी अच्छा है और इसके बाद ये है मेबलिन की फेमस फिटमी फाउंडेशन और ये मिनी ट्यूब्स हैं एंड आई ऑलवेज रिकमेंड दिस वन फॉर टीन या जो स्कूल गोइंग है कॉलेज गोइंग है उनके लिए इनफैक्ट यूनिवर्सिटीज में भी काफ़ी अच्छी रहती है ये फेस पे काफ़ी वेटलेस रहती है और इसकी कवरेज भी अच्छी है और इसी में इनकी ये वाली ग्लास बॉटल वाली फाउंडेशन भी आती है आप लोग ये भी ट्राई कर सकते हो और अगर आपको पार्टी वेयर मेकअप करना हो या फुल कवरेज फाउंडेशन चाहिए तो आप ये सुपर स्टे वाली ले सकते हो और इसका कॉम्पैक्ट पाउडर भी मौजूद है आप दोनों चीज़ें लोगे तो ज़्यादा अच्छी फ्लॉलेस लुक आएगी बट ये सुपर मैट है तो ऑयली स्किन के लिए ज़्यादा अच्छी है इसके अलावा सर्दियाँ लिप्स काफ़ी ड्राई हो जाते हैं तो लिप्स को मॉइस्चराइज रखने के लिए मेबलिन का ये बहुत ही फेमस बेबी लिप्स लिप बाम है ये भी काफ़ी अच्छा है और अगर आपका मेकअप ज़्यादा देर तक सेट नहीं रहता है तो आप ये फिक्सर ले सकते हो मेबलिन का इससे आपका मेकअप काफ़ी ज़्यादा ड्यूरेशन तक रहेगा अच्छा जी इसके अलावा ये हैं मेबलिन के लिपस्टिक्स सबसे पहले ये सेंसेशनल लिक्विड मैट लिपस्टिक्स हैं फिर ये सुपर स्टे मैट लिपस्टिक है और ये कलर सेंसेशनल बुलेट लिपस्टिक्स हैं ह्यूज वेराइटी ऑफ शेड्स क्वान्टिटी काफ़ी अच्छी है प्राइस बहुत कम है होल सेल रेट्स में बिल्कुल और अफोर्डेबल लिपस्टिक रेंज में मेबलिन काफ़ी अच्छे से काम करता है तो यू शुड गिव इट अ ट्राई टू ओके okay जी सो आफ्टर मेबली न्यूयॉर्क वी हैव एस टी लंडन अगेन इट इज़ अ वेरी वेल नॉन ब्रांड और ये बेसिकली इटली जर्मन और यू के में मैनुफैक्चर हो रहा है बट पाकिस्तान में आपको चेस वैल्यू में इसकी बिल्कुल औरिजनल चीज़ें मिल जाएंगी इनके पास बहुत अच्छे शेड्स हैं नैल पॉलिश में बाकी मस्कारा और लाइनर भी काफ़ी अफोर्डेबल हैं ये आप देख सकते हो स्क्रीन पर अच्छा इस कलावन का मुझे ये कंसीलर बहुत ज़्यादा अच्छा लगा क्योंकि इसका एक तो टेक्सचर बहुत क्रीमी और ब्लेंडेबल है प्लस इसकी कवरेज इस बॉम डॉट कॉम एक ही बार मैं तमाम आपके डार्क सर्कल्स डार्क स्पॉट्स हाइड कर देगा क्योंकि इसकी इतनी अच्छी कवरेज है और ये नेक्स्ट जो ऐसा आप देख रहे हो एस लंडन की इंपरफेक्टर्स फाउंडेशन का इसकी कवरेज भी बहुत अच्छी है अगेन ब्लेंडेबल है और टेक्चर मुझे इसका बहुत अच्छा लगा और बाकी इसके अलावा इनके पास ये बहुत ज़बरदस्त लिक्विड हाइलाइटर भी है और मैं आपको उसका भी स्वेच दिखाती हूँ क्योंकि उसका बहुत ज़रा सा ड्रॉप ना आराम से आपका पूरा फेस कवर कर सकता है लिक्विड हाइलाइटर सर्दियों में और स्पेशली ड्राई स्किन के लिए बहुत अच्छे रहते हैं और ये लिक्विड हाइलाइटर के अलावा इनके पास पाउडर्ड फॉर्म में जो हाइलाइटर्स होते हैं उसकी भी काफ़ी अच्छी रेंज है ब्लशेस भी हैं हाइलाइटर के साथ और आप इसके स्वेचेस देखो क्योंकि पिगमेंटेशन मुझे इसकी भी अगेन बहुत अच्छी लगी थोड़ी सी क्वांटिटी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा लास्ट करेगी और अगर आपको पूरी पूरी आई शेडो पैलेट्स अच्छी नहीं लगती हैं क्योंकि आप बस दो दिन कलर यूज़ करते हो तो आप ये सिंगल आई शेड कलर भी ले सकते हो वैस्ट लंडन का क्योंकि इसकी पिगमेंटेशन भी काफ़ी अच्छी थी और क्वांटिटी भी काफ़ी ज़्यादा है और इनकी जो लिक्विड लिपस्टिक्स है ना उसकी रेंज भी काफ़ी अच्छी है यानी कि आपको बहुत अच्छे शेड्स मिलेंगे और ये मैंने एक लिपस्टिक का स्वेच किया था क्योंकि इसका कलर मुझे बहुत प्रटी लग रहा था और वाकई आप देखो काफ़ी अच्छा कलर है अच्छा इसके अलावा मुझे बड़े मजे की चीज दिखी यहाँ पे यहाँ पर कलर्ड लाइनर थे वो भी ग्लिटर में और आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरे दो बड़े वाइब्रेंट कलर निकाले हैं एक तो ये ब्लू है जो कि बहुत हसीन लग रहा है तो अगर ज्यादा हैवी आई शेड आपको नहीं पसंद है आप बस ये लाइनर लगा लोगे तो काफी अच्छा लगेगा और इसमें एक ये कॉम्पैक्ट पाउडर भी था स्टिलंडन का ये भी काफी अच्छा था और इसके साथ आपको ना नीचे पफ ब्लेंडर भी मिलेगा ताकि आप उसी वक्त अपनी फाउंडेशन ये जो बेस है उसको सेट कर सको तो ये काफी अच्छी बात है प्लस इसमें शेड्स की वैरायटी बहुत अच्छी थी और ये मैं देखा आपको स्वेच भी करके दिखा रही हूँ अपने हाथ पे काफ़ी अच्छा था बहुत सिल्की सा इफेक्ट था तो मुझे अच्छा लगा इनका कॉम्पैक्ट पाउडर हाँ जी सो एस टी लंडन के बाद अब हमारे पास है नेक्स्ट ब्रांड जो कि है फ्लोर मार और ये इटली का ब्रांड है बट ये मैनुफेक्चर तुर्की में होता है और ईज़िली पूरी दुनिया में अवेलेबल है इनके पास बहुत ज़्यादा अच्छी वैरायटी है स्पेशली नेल पॉलिश की और लिप लाइनर्स की मुझे बेस्ट लगी इन उन चीज़ें इनकी और उससे भी ज़्यादा अच्छी बात यह है कि बहुत कम प्राइस हैं एक तो वैसे ही इस ब्रांड के प्लस चेज़ वैल्यू बिल्कुल होल सेल रेट प्रोवाइड कर रहा है तो आपको और सस्ते में मिल जाएगा ये और मुझे एक तो ये न्यूड वाले लिपस्टिक इसका शेड आप लोग देख लो और एक ये माचा ग्रीन वाले लिपस्टिक की दोनों शेड्स मुझे बहुत ही प्यारे लगे मतलब बहुत ही सटल और बहुत ही क्लासिक कलर से दोनों अच्छा इनके फर्स्ट शेल्फ पे तमाम आपको फाउंडेशन मैट ऑयली स्किन के लिए ड्राई स्किन के लिए बाकी लूज पाउडर्स सेटिंग पाउडर्स तमाम बेस की चीजें मिल जाएंगी सेकेंड शेल्फ पे आपको मिल जाएंगी तमाम लिपस्टिक्स लिपस्टिक्स की बहुत अच्छी वैरायटी है इनके पास क्रेन मिल जाएंगे आपको लिक्विड लिपस्टिक्स मिल जाएंगी आपको सिल्क लिपस्टिक्स मिल जाएंगी वेलवेटी लिपस्टिक्स मिल जाएंगी बुलेट लिपस्टिक्स हैं और सारे कम प्राइस में और बहुत अच्छी हैं और फिर ये नेक्स्ट में आपको हाइलाइटर और ब्लशेज मिल जाएंगे और इसके बाद यहाँ पर हमारे पास लाइनर है मस्कारा है और ये क्यूट सी मिनी आई पैलेट है साथ में आपको सिंगल आई शेड मिल जाएंगे यहाँ पे सो so ये तो थी सारी फ्लोर मार के लोग आप देख सकते हो यहाँ पे अब हम मूव ऑन करते हैं अपने नेक्स्ट ब्रांड पे जो कि है स्टेज लाइन इनके पास से भी आपको तमाम प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे ये इनका कॉम्पैक्ट पाउडर मुझे वहाँ पे वर्कर्स ने बताया कि बहुत अच्छा है और इसके अलावा सबसे बेस्ट चीज़ इनकी यहाँ पर है ये मूस फाउंडेशन क्योंकि ये अप्लाई बहुत अच्छे से होती है और इसकी कवरेज बहुत ज़्यादा हाई है तो काफ़ी अच्छा रहता है ये आप देख सकते हो थोड़ा सा स्वेस्ट भी मैं आपको दिखा रही हूँ यहाँ पे काफ़ी अच्छे से ये कवर करता है इनफैक्ट आपके रिंकल्स स्पॉट्स डार्क सर्कल्स सब चीज़ें कवर हो जाती हैं इज़िली और इनका ये आई ग्लिटर भी काफ़ी फेमस है और मोस्ट इंपॉर्टेंटली इनकी फाउंडेशन बहुत अच्छी है सो डू ट्राई इट

का ये प्रेस्ड कॉम्पैक्ट पाउडर था यह भी बहुत अच्छा था मैं प्राउडली कहती हूँ कि पाकिस्तानी प्रोडक्ट है लेकिन इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है हाई एंड प्रोडक्ट की तरह है अच्छा फाउंडेशन और कॉम्पैक्ट के अलावा ये इनकी आई शेडो पैलेट्स भी है इसकी पिगमेंटेशन अच्छी है मिनी पैलेट्स हैं बैग में कैरी हो सकती है इजिली और ओरिजिनल प्राइस से आपको यहाँ पे होल सेल प्राइस मिलेंगे चैज में सो दैट इज रेली अमेजिंग अच्छा इसके अलावा लिपस्टिक्स की भी काफी अच्छी वैरायटी है चल अब हम मूव ऑन करते हैं हमारे नेक्स्ट ब्रांड पे जो कि है कलर स्टूडियोज और कलर स्टूडियो के इनके पास काफी ह्यूज वैरायटी है मस्कारा ब्लशेस फाउंडेशन सब कुछ है सबसे पहले आपको मैं दिखा रही हूँ ये लिक्विड फाउंडेशन और काफी अच्छे से ब्लैंड हो रही थी ये काफी अच्छी कवरेज भी थी इसकी और जो इनकी औरिजिनल प्राइस है उससे बिल्कुल होल रेट पर मिल रही है यहाँ पे तो बहुत अच्छी बात है ये स्वेच मैंने दिखाया है आप लोग देख लो ये इसके अलावा इनके पास लिपस्टिक की भी काफी अच्छी वेराइटी है मतलब ऑलमोस्ट सारे शेड्स आपको मिल जाएंगे चाहे न्यूड्स में हो ब्राउन्स में हो रेड्स में और इसके अलावा लिक्विड और मैट लिपस्टिक्स भी आपको इजिली मिल जाएंगे बिल्कुल होलसेल प्राइस और ये नीचे वाले सेक्शन में यहाँ पे नेल पेंट्स रखे हुए हैं और इसके अलावा इनकी आई पैलेट मुझे बहुत अच्छी लगी काफी क्रिएटिव सी और काफी यूनिक सी है अच्छा कलर स्टूडियो का ये वाला मस्कारा भी बहुत अच्छा है वहाँ पे जो वर्कर्स थे उन्होंने मुझे गाइड किया और बताया कि मतलब इसके मस्कारा काफ़ी अच्छे से काम करते हैं लशिज़ को कर्ल कर देते हैं वॉल्यूम भी देते हैं अच्छा जैसे ये मैं आपको दिखा रही हूँ ब्लशर्स और सेटिंग पाउडर इनके ब्लशेज में काफ़ी कम वराइटी होती है बट यहाँ पर अच्छी वराइटी है ब्राउन शेड भी हैं ऑरेंज शेड भी हैं पिंक शेड भी हैं न्यूड भी हैं तो सारी वराइटी आपको यहाँ पर मिल जाएगी इसके अलावा ये दो हाईलाइटर पैलेट्स थी इस वाली पैलेट में काफ़ी सारे शेड्स हैं काफ़ी क्यूट सी आई है और साथ में एक मिनी पैलेट थी जिसमें सिंगल हाईलाइटर था और ये कुछ कॉम्पैक्ट पाउडर्स भी हैं चले जी अब मूव करते हैं हम अपने नेक्स्ट ब्रांड पे जो कि है गॉर्जियस ब्यूटी यू एंड दे हैव सच ह्यूज वैरायटी यानी कि नेल पॉलिशेस की कलर्स आप चेक करो इतने सारे और प्राइसेस भी काफ़ी कम है इसके अलावा लिपस्टिक्स हैं लिपस्टिक्स के शेड्स भी बहुत सारे हैं इसके अलावा लिप पेंसिल्स और लिप डिफाइनर्स वगैरह भी हैं और ये नीचे वाली शेल्फ में इसमें सिंगल आई शेड्स हैं फाउंडेशन है मूस फाउंडेशन है और कंसीलर वगैरह ओके जिस उसके बाद हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट ब्रांड की तरफ जो कि है रिवाज यू के अगेन इट इज अ पाकिस्तानी ब्रांड और काफी ह्यूज वेराइटी इनके पास फाउंडेशन मस्कारा लाइनर लिप लिपस्टिक्स और मैट लिपस्टिक ग्लॉस सब चीज़ें मिल जाएंगी मैं आपको दिखा दूँ ओके okay, जी सबसे पहले हमारे पास है ये रिवाज यूके का कॉम्पैक्ट पाउडर काफ़ी मैट और फ्लॉलेस फिनिशेज का इसके बाद है ये परफेक्शन कवरेज मिनरल फाउंडेशन इसके भी काफ़ी अच्छे रिव्यूज़ हैं और होल सेल प्राइस पर मिल रही है आपको यहाँ इसके बाद ये हमारे पास है ब्लशेज ये हैं हाईलाइटर और यहाँ पर ये ग्लेटरी लाइनर्स हैं ये सिंपल ब्लैक लाइनर है और ये मस्कारा की रेंज अच्छा इसके अलावा ये रिवाज यूके के लिप ट्रिंट्स अवेलेबल थे पर्सनली मुझे बहुत अमेजिंग लगे क्योंकि वाटर बेस्ड थे ब्लैंड अच्छे से हो रहे थे और प्राइस काफ़ी कम है ये ऑरेंजिश लिप टिंट है इसका स्वैस आप देख सकते हैं और इसके अलावा ये और लिपस्टिक थी इसके एक पार्ट में ना लिपस्टिक है और दूसरे पार्ट में ना ट्रांसपेरेंट ग्लॉस है तो ये भी काफ़ी अच्छी रहेगी मतलब एक ही प्रोडक्ट में आपको मैट लिपस्टिक भी मिल जाएगी और साथ साथ ग्लॉस भी अच्छा ये टेंट और बाकी ग्लॉस वाले लिपस्टिक के अलावा भी काफ़ी सारे और लिपस्टिक्स हैं वो भी आप ट्राई कर सकते हैं आप नैक्स्ट मेकअप ब्रांड जो मैं आपको दिखा रही हूँ वो है ये गोल्डन रोज़ और इनके पास भी काफ़ी सारी वराइटी है सबसे पहले यहाँ पे है मेकअप फिक्सर ब्रॉन्जर हाईलाइटर ब्लशेज़ ये सारी चीज़ें और ये सारे टेस्टर्स हैं इनकी फाउंडेशन के फाउंडेशन अलग बड़ी बॉटल में है ये टेस्टर्स हैं इसके बाद ये इतने सारे लिपस्टिक्स हैं शेड्स बहुत प्यारे हैं क्रीमी टेक्सर अच्छा पर्सनली मुझे ये गोल्डन रोज वाले किट बहुत कीगी क्योंकि एक तो ये क्रीम फॉर्म में तो ये अप्लाई करने में आसानी होगी और इसमें कलर करेक्टर भी है कंसीलर भी और कॉन्टोर भी है एक ही पैलेट में तो ये मुझे बहुत अच्छी और इसके अलावा मुझे जो यहाँ पे गाइड कर रही थी उन्होंने मुझे बताया कि गोल्डन रोज की नेल पॉलिशेस बहुत अच्छी है मतलब एक कोट में इतनी अच्छी पिगमेंटेशन देती है आपकी नेल अच्छा जी तो नेक्स्ट ब्रांड जो मैं आपको दिखा रही हूँ वो है ये लशियस कॉस्मेटिक्स का अच्छा इनकी ये दो पैलेट्स है बहुत अच्छी लगी मुझे इसमें से ये वाली पैलेट फुल ब्लश पैलेट है इसमें शेड्स मिल रहे हैं आपको और ये नेक्स्ट जो ग्लो पैलेट है ये वाली हाइलाइटर पैलेट है इसके बाद ये है बुलेट लिपस्टिक्स ये हमारे पास लिप पेंसिल्स है और ये हमारे पास प्रेस पाउडर है और इसका प्रेस पाउडर बहुत मैटिफाई फिनिश देता है तो ऑयली स्किन वालों के लिए रिकमेंडेडेड है अच्छा जी इसके बाद अब मैं आपको नेक्स्ट ब्रांड दिखा रही हूँ ये है एसेंस का अगेन इट इज़ इंटरनेशनल ब्रांड और इनकी भी काफ़ी ह्यूज वेराइटी है सबसे पहले ये आप लोग देख लो ये नेल पॉलिशेज हैं काफी सारे कलर हैं और इनके ओरिजिनल प्राइस से आपको होलसेल रेट में मिलेगी यहाँ पे तो बहुत अच्छी डील हो जाएगी आपके लिए इसके अलावा ये आई पैलेट मुझे बहुत अच्छी लगी काफ़ी अच्छे कलर हैं इसके प्रैक्टिकल यूज़ में आने वाले हैं इसके अलावा ये एसेंस के लिप पेंसिल्स बहुत फेमस है और बहुत कम प्राइस में मिल रही यहाँ पे यानी कि वाकई में होलसेल

और इसके बराबर में ये क्लेजोना के लिप पेंसिल्स हैं और इसके साइड पे ये ब्लू वाली पेंट स्टिक्स हैं और साथ में ये कॉम्प्रेस्ड पैन केक है अच्छा इसके अलावा क्लेजोना के ना लिपस्टिक्स भी काफ़ी अच्छी हैं ब्लश हैं ये और इसके अलावा इनके केक लाइनर्स भी हैं जो कि डिफरेंट कलर्स में हैं तो आप इनकी वराइटी ज़रूर चेक कीजिए अच्छा इसके अलावा ये राइट साइड पर अगर मूव होते हैं तो यहाँ पर भी बहुत सारा मेकअप है ये सारे पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स हैं जैसे कि ग्लैमरस कॉस्मी स्वीट टच ये सारे प्रोडक्ट्स आपको यहाँ पे इजिली मिल जाए अच्छा इसके अलावा जो क्रायलॉन कंपनी है ना उसकी पेंट स्टिक भी यहाँ पे अवेलेबल है अगेन आपको होलसेल प्राइस में मिल जाएगी बिल्कुल ओरिजिनल होगी ये और इसका स्वेज आप देख सकते हैं ये वर्ल्ड की बेस्ट कवरेज वाली पेंट स्टिक है मेरी तरफ से बिल्कुल रिकमेंडेड है क्योंकि सलोन्स वगैरह में ब्राइडल्स के लिए यूज़ हो रही होती है अच्छा इसकी बैक साइड पे ना बाकी पाकिस्तानी ब्रांड्स का मेकअप पड़ा हुआ है जैसे कि क्रिस्टीन की काफ़ी बड़ी रेंज है आप यहाँ पे देख सकते हैं और यहाँ पर रिवाजुकी का भी काफ़ी सारा सामान है जैनी का काफ़ी सारा सामान है ग्लैमरस फेस का है और भी जो दूसरे पाकिस्तानी लोकल ब्रांड्स हैं उनके भी सामान यहाँ पे ईजी और ये मेकअप वाले सेक्शन के पीछे जो है यहाँ पे काउंटर्स लगे हुए हैं काफ़ी बड़े बड़े दो और यहाँ पर बिल्कुल जो लोकल हमारा मेकअप होता है ना जो बहुत ज़्यादा रीजनेबल रेट में आपको मिल जाता है यानी कि 150 200 300 वो सारी चीज़ें मिल जाएंगी और इसके अलावा यहाँ पे मिसरोज़ के प्रोडक्ट्स हैं हाईलाइटर्स हैं फाउंडेशन है मिस्ट है एलोवेरा जेल है नेल्स हैं है, है, और बाकी हमारे पास आई शेड्स हैं टेंट भी हैं इनफैक्ट लैशेज़ हैं मतलब सारी वरायटी आपको मिल जाएगी और ये उस साइड पे एक और काउंटर है वहाँ पर भी काफ़ी सारी चीज़ें अवेलेबल हैं तो आपको वैराइटियाँ पे तमाम मिलेंगी मतलब पाकिस्तानी ब्रांड्स लोकल इंटरनेशनल ब्रांड्स तमाम चीज़ें आपको मिल जाएंगी और वो भी होल सेल रेट पर तो आपको और क्या अज हाँ इस वाई ट्राइड माई बेस्ट कि मैं सारे प्रोडक्ट्स और सारे ब्रांड्स आपको दिखा सकूँ पर ज़ाहिर है सारे प्रोडक्ट्स एक वीडियो में कवर करना मुश्किल है बट फिर भी मैंने अपनी पूरी कोशिश की है तो अगर आप अपने पैसे बचाना चाह रहे हो और औरिजनल चीज़ें ख़रीदना चाहते हो औरजिनल मेकअप प्रोडक्ट्स बाय करना चाहते हो सो गाइज़ यू हैव टू विज़िट चेज़ वैल्यू को बहुत खुशी होगी यहाँ के आप बिल्कुल फिजिकली स्वेचेस देख सकते हो अपने फेस पे लगा के चेक कर सकते हो टेस्टर्स अवेलेबल हाँ जी सो दैट वाज इट फॉर टूडेज वीडियो आई होप कि आपको आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और आप लोगों के काफी इन्फॉर्मेटिव भी रही होगी तो मुझे उम्मीद है आप लोग चेस वैल्यू से शॉपिंग जरूर करेंगे एंड अंटिल माई नेक्स्ट वीडियो अल्लाह हाफिज अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा